प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह की पत्नी रीता सिंह को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने उर्मिला देवी पत्नी छेदीलाल को प्रत्याशी बनाया था। ऐसे में शनिवार की सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ तो 1:30 बजे तक 125 बीडीसी सदस्यों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि काफ़ी इंतजार के बाद भी एक मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। हालांकि मतदान सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल 3 बजे के बाद मतों की गणना की जाएगी, जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। उधर जनसत्ता दल के कार्यकर्ता मतदान के बाद काफ़ी उत्साहित नजर आए। वह लोग अपनी प्रत्याशी रीता देवी के जीत को लेकर आश्वस्त थे। तो रहिए न बेखबर, देखिए प्रतापगढ़ जिले की हर खास खबर नेशनल न्यूज आप तक पर कुलदीप कुमार के साथ।